गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, हम लोग आज सीयूटी एमबीए 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे, पॉइंट सेक्शन का। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग था, गलत था, उसको क्लेम कर दिया गया है। इंग्लिश पॉइंट में देखिए, यहाँ पे जो है किसी भी क्वेश्चन में, अभी सॉल्व भी करूंगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन जो गलत नहीं है, सारे आंसर सही है। और रही बात इंग्लिश और हिंदी की, जहाँ तक की बात की जाए, तो उसमें जो ऑप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जिसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं दे रखा था, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे ऑप्शन की दिक्कत आ रही थी, उसको भी हम लोगों ने जो है क्लेम कर रखा है। ठीक है, उसमें सबके जो है मार्क्स आपको जो है मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपसे कह रहा है कि अ कंपनी हैज 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो है 6 सिविल इंजीनियर्स हैं, और कह रहा है कि कितने तरीके से, अगर हम दो चार इंजीनियर की कमेटी बनानी है तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं, और आपसे कह रहा है कि उसमें कम से कम एक सिविल इंजीनियर जरूर होना चाहिए। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बेहद ईजी है, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखे हैं। देखिए, आपके पास 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 6 जो है सिविल इंजीनियर हैं, 4 लोगों की कमेटी बनानी, जिसमें से एक आपको क्या लेना है, सिविल लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर में से आप 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए वहाँ से, और 6 में से 1 ले लीजिए यहाँ से। तो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, 10 में से ले लीजिए आप 3, ये 3 इंजीनियर यहाँ से हो जाएंगे, और साथ ही साथ इंटू 6 सिविल इंजीनियर में से एक तो क्योंकि लेना ही लेना है, तो 6 C1 ले लीजिए। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10C3 का मतलब क्या होता है, जरा बताइए। देखिए, अब इसको मैं नहीं बताऊंगा 10C3 की वैल्यू कैसे निकलती है, 6C1 की वैल्यू कैसे निकलती है, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। जिनको नहीं पता है वो जा करके बहुत सारी मेरी क्लासेज यूट्यूब पे, वहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए, 10C3 की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकालूँ, 10 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा ये, यानी 10 × 9। अगर मैं 10C3 की वैल्यू निकालूँ तो 10 × 9 × 8 आएगा, और 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 3 से। ये तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो पढ़ रखा है उसको पता होगा। और इंटू 6C1 का मतलब होता है 6, यहाँ से 6 6 कैंसिल होगा, 10 × 9 करेंगे 90, 90 × 8 करेंगे 720, आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, 720 आपका आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 720। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपका ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 7 ग्रीन बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें से आपको कह रहा है कि 3 बॉल आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 बॉल्स बीइंग ग्रीन, तीनों बॉल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, वो आपसे कह रहा है कि कोई बॉल को रिप्लेस नहीं करना है। अच्छा, एक कंडीशन इसमें और दे रखी है कि वन आफ्टर दी वन अनदर, यानी एक बॉल निकालनी है उसके बाद को फिर दूसरी निकालनी, एक एक करके निकालनी है, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह का क्वेश्चन में भी मैंने जो है क्लास में करवाए रखे है, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब तीनों ग्रीन की बात कर रहा है, इसका मतलब ब्लैक बॉल को आपको क्या करना है, इस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ ग्रीन बॉल लीजिए। अच्छा, 7 में से एक बॉल चूज करेंगे तो कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं आप, 7C1। उसके बाद देखिए, अब आप चूंकि एक एक करके करनी है, तब आपके पास बॉल कितनी बची, 6, उसमें से एक ले लीजिए, फिर देखिए आप इसको भी रख दिए अलग, अब आपके पास 5 बॉल बची, 5C1, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे, एक फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स की अगर बात की जाए, आपको पता है कि आपको वहां भी देखिए टोटल बॉल कितनी है, 12, तो 12 में से एक ले लेंगे, उसके बाद देखिए 11 बचेगी, 11 में से एक ले लेंगे, फिर देखिए 10 बचेगी, 10 में से एक ले लेंगे, इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए 7C1 का मतलब होता है 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 अपॉन 12, 11 एंड 10, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। देखिए 5 2 6 2, देखिए 11 × 2 × 2, 44 नीचे आएगा, और न्यूमरेटर में आ रहा है 7 7 upon 44, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा नहीं, अगर जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है उसके लिए क्वेश्चन 10 सेकेंड से ऊपर नहीं लगता। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ऑप्टिकल को, ऑप्टिकल लेटर है उसको बता रहा है कि कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है जबकि वो वेल्स एक साथ आए। ये भी देखिए मैंने क्लास में करा रखा है इस तरह का क्वेश्चन, ओ को और वॉवेल्स कितना है, ओ है, आई है, ए है। देखिए आपके पास ओ आई ए एक साथ रख लीजिए, अब जितने बचे पी टी सी एल, पी है, टी है, सी है, इसको अलग कर लीजिए। देखिए
इसको हम मानेंगे एक यूनिट, तो कितने लेटर हो जाएगा, 1 2 3 4, इसको एक मानेंगे 5, तो 5 इन सबको जो हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने एक बॉक्स के अंदर ओ आई ए रखा है, इसको हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको देखिए ओवरऑल ही पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप जानते हो 5 × 4 × 3 × 2, और इसकी वैल्यू थी 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 23 = 60, 62 = 120, 126 = 720, तो आपका आंसर हो जाएगा 720। ये भी क्वेश्चन आपका 10 सेकेंड, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, देखिए ये भी आपका कौन सा, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सॉरी देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है बैग है जिसके अंदर 5 रेड स्माइली है, 6 येलो स्माइली है और 3 ग्रीन स्माइलीज है। आपसे कह रहा है कि 2 को आपको पिक करना है इसमें से रैंडमली, तो कह रहा है कि दोनों या तो रेड हूं या तो ग्रीन हूं, तो इनकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। देखिए और जब भी आता है, मैंने बताया है क्लास में और का मतलब प्लस होता है, तो आप बताइए, कह रहा है तो या तो रेड हो या तो ग्रीन हो, यानी येलो को कॉइन काउंट नहीं करना है फेवरेबल आउटकम्स बनाते टाइम। तो आपको क्या करिए, पहले कंडीशन दे रहा है कि दोनों रेड हो, तो 5 रेड में से अगर 2 आपको सेलेक्ट करना है तो आप 5C2 हो जाएगा, और का मतलब प्लस होता है, येलो कौन, येलो को तो नहीं लेंगे, ग्रीन आपके पास 3 बॉल है उसमें से 2 से अगर आपको सेलेक्ट करनी, कैसे करेंगे, 3C2 अपॉन, आप देखिए डिवाइड कर दीजिए टोटल बॉल कितनी है, 5 6 11 एंड 3 14, और 14 में से कितनी लेनी है आपको, 2, इसी को सॉल्व करना है, बस इसी को सॉल्व करिए। आप देखिए कोई कितनी जल्दी सॉल्व कर ले जाता है, ये भी मायने रखता है। 5C2 का क्या मतलब होता है, 5C2 का मतलब बताइए, 5 देखिए 5 अगर इसको सॉल्व करेंगे 5C2 का मतलब होता है, देखिए मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ, 5 × 4 देखिए 5 में से 2 3 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसी तरीके 3C2 को निकालेंगे, 3C1 यानी 3 आएगा, और अगर मैं 14C2 को सॉल्व करता हूँ तो 14 × 13, मैं बताओ देखिए इस तरह का जो 14C2 की वैल्यू क्या होगी, सारी चीजें क्लास में कराई जाती है, वहां पे यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं देखिए मैं 14 में से 2 माइनस करता हूँ 12, अब ये 12 अब आप पढ़िए कैसे लगता है, इसे आप जाके वहां पे देखना पड़ेगा आपको, तो 14 × 3 = 12 देखिए कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखिए कितना आ जाएगा आपका, 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा है ना। तो इधर देखिए अगर सॉल्व करेंगे ऊपर आ जाएगा 10 + 3 = 13, नीचे अगर देखेंगे तो देखिए आ जाएगा 7 91, अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 1/7 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 10 से 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, और जितना भी मैंने क्लास में प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस कराए हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, उसी पैटर्न पे आया है, कुछ क्वेश्चन तो एकदम सेम डिप्टो फंस गए एग्जाम में, तो ये सारी चीजें क्लास के अंदर कराई गई हैं, तो ये भी आपसे 10 से 15 सेकंड में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखिए ये भी मैंने खूब, मैंने इसकी बहुत पॉलीगन मैंने बहुत सारा मैंने अलग से फॉर्मूला दे रखा था कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है, इंटीरियर कैसे निकाला जाता है, क्या रिलेशन होता है, बेहद आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे आप लोगों ने कैसे किया, देखिए बताता हूँ कैसे करते हैं। अगर आपको साइड पता हो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360/N, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360/नंबर ऑफ साइड, तो देखिए साइड कितनी दे रखी है, N-1, पहले वाले का एक्सटीरियर एंगल ये आ गया, और कह रहा दोनों के जो एक्सटीरियर एंगल में डिफरेंस है वो 6 का है, तो -360/N+2 = 6 आना चाहिए। देखिए यहीं फिर कैलकुलेशन मायने रखती है, समझाने कोशिश मैं कर रहा हूँ, यहीं पे आपकी कैलकुलेशन मायने रखेगी। अब कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं सॉल्व करना, ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन बताइए एन की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 6 आ जाए। अब मैं सिखाता हूँ, देखो जब आप 11 रखेंगे तो देखिए सेकंड वाले में 13 आएगा, 11 + 2 = 13, 13 जो है 360 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब पहली ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 12, इसलिए नहीं ले सकते कि 12 यहाँ पर रखूंगा तो 11 आएगा, 11 360 को डिवाइड नहीं करेगा, ये भी चला गया। 14 रखेंगे, देखिए 14 रखेंगे यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं करेगा, ये मेरा आंसर हो गया। मुझे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से देख लीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। मैंने बताया कि 13 रखेंगे, देखिए यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ 13 रखेंगे 15 आएगा, दोनों डिवाइड करा देंगे, 360 को 12 से डिवाइड करेंगे 13 30 आएगा,
और 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 6, वेरीफाई हो गया, मेरा आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, 13 दे करके डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो कुछ चीजें देखिए यहाँ पे सीखिए, आपको सॉल्व नहीं करना था, आंसर से वेरीफाई करना था कि आखिरी कौन सा हो सकता है। मैंने देखा 11 रखने पे नहीं हो रहा है, क्योंकि 360 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 12 नहीं कर रहा है, 14 रखने पे भी एक ऐसा था कि वहाँ पे जो है पहला वाला 13 से 13 आ जा रहा था, डिवाइड नहीं कर रहा था, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिएगा, मिक्सचर एलिगेशन। देखिए मिक्सचर एलिगेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास में, अगर आपने, मैंने बेसिक बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं पेपर को देख रहा था, तो पेपर में जितने भी क्वेश्चन खास करके मिक्सचर एलिगेशन के बेस पे पूछा है, आप खुद देखिएगा कि बिल्कुल उसका कोई लेवल नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी थी, उतनी तो आपको एग्जाम में करनी ही होती है, बाकी टफ पेपर नहीं, किसी भी एंगल से अगर आप देखें। अभी धीरे धीरे आप सोल्यूशन मैं करूंगा, आप भी देखेंगे, आपको सोचेंगे हाँ कि यहाँ पे हम कहाँ कहाँ पे टाइम बचा सकते हैं, क्या और सीखने की जरूरत है ना। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क एंड वाटर का जो है, कह रहा है कि अगर कोई माले मिक्सचर है जिसमें 26% वाटर है, 26% वाटर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मिल्क कितना परसेंट होगा, 74%, 74% मिल्क है, 26% वाटर है। अगर मैं यहाँ से देखिए, अगर मैं रेशियो निकालता हूँ 74% और 26% का, तो आप देखते हैं कि 37:13 आ जाता है मिल्क और वाटर का। उसके बाद कहता है कि इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला गया 7 लीटर, उसके बाद में 7 लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया। ठीक है, अगर मिल्क ऐड कर दिया गया 7 लीटर, तो कह रहा है 76% क्या हो जा रहा है मिल्क, बस 76% मिल्क हो जा रहा है, तो 24% वाटर होगा। 76 अगर 24 का रेशियो यहाँ से निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं अगर 2 से डिवाइड करते हैं आप, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 19:6 आएगा यहाँ पे मिल्क वाटर का रेशियो। आप बताइए, क्योंकि आपने मिल्क ऐड किया है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जब मिल्क ऐड किया तो वाटर तो सेम होना चाहिए, यहाँ पे वाटर 13 है, वहाँ पे वाटर कितना है 6 है, पहले इसको इक्वल करो। इक्वल कैसे होगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 को कितना आ जाएगा, 222 आएगा, 7 हाँ ठीक है, इंटू 70, 13 इंटू 6 करेंगे 78, यहाँ पे देखिए 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 247 इंटू 13 सिक्स जा 78। देखिए वाटर इक्वल हो गया, आप बताइए पहले मिल्क था 222, अब 247 हो गया, कितना इंक्रीज कर गया, 25 यूनिट, और 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7 लीटर, 25 की 7 है, आपसे क्या पूछा है टोटल मिक्सचर, टोटल देखिए जितना आपने मिक्सचर निकाला था उतना मिल्क ऐड किया, टोटल मिक्सचर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करूँ तो देख लीजिए कितना, 247 और 78 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 325 यूनिट, इसी की वैल्यू पूछा है, 25 325, कितना कितना टाइम्स हो रहा है। अगर मैं, अगर आपने हमारी क्लास देखी यूट्यूब पे, कौन सा है ट्रिपलेट, जो मैं यूनिटरी मेथड बताता हूँ, कितना टाइम्स हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 13 कितना हो रहा है, 13 टाइम्स, तो यहाँ पे 13 टाइम्स हो जाएगा, तो 91 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये 15 सेकंड अगर आप पता करते हो, 15 से 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। तो देखा आपने, तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ लेवल नहीं था, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एवरेज टेम्परेचर आप देख रहा, कह रहा है कि टाउन का जो फर्स्ट 4 डेज का देखिए, कह रहा है इतना है एवरेज, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का कह रहा इतना है, कह रहा कि टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ डेज का इतना, देखिए फर्स्ट और फिफ्थ का इतना है, कह रहा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फिफ्थ डे। देखिए अगर मुझसे आप पढ़े हैं, मैं रेशियो में हमेशा बताता हूँ, आपसे फिफ्थ डेज का टेम्परेचर पूछ रहा है, और रेशियो में दे रखा है 8 यूनिट, क्या दे रखा है 8 यूनिट, यानी जो फिफ्थ डेज का टेम्परेचर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, यानी ऑप्शन वही होगा जो 8 से डिवाइड होगा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करता, 8 देखते ही 64 पे टिक लगाइए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसमें क्या टफ है, इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर आप जो है 2 सेकंड के अंदर दे देंगे, अगर आपने काम किया है यूनिटरी मेथड पे, ऑप्शन पे सारा काम किया है, इस तरह से पढ़ के गए हैं, तो आपका आंसर विद इन 2 सेकंड आ जाएगा। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप वेरीफाई, आप अगर मान 2 ऑप्शन होता मैं वेरीफाई करा लूंगा, आप उसको वेरीफाई करके देख लीजिए, लेकिन इसका जो सोल्यूशन होता है यहाँ पे वो 2 सेकंड के अंदर हो जाता है, 8 का मल्टीपल देख के आंसर करके।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, मैंने कितनी बार बताया अगर रूट इक्वल्स होता है तो आप जानते हैं कि बी स्क्वायर जो होता है 4ac के इक्वल होता है। बी का तो मतलब एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट कितना है यहाँ पे वन, वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, और 4a c की जगह उन्होंने क्या दे रखा है b, तो 4ab आ जाएगा। यहां से अगर मैं ab निकालूंगा तो 1/4 आएगा, ab इक्वल्स टू 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 5 सेकंड का था, कितने का था 5 सेकंड। देखिए जो क्वेश्चन इजी है उसमें हम लोग टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक्स माइनस सिक्स जो है इस, कह रहा है कि इसका और इसका क्या है HCF है, तो यानी एक्स माइनस सिक्स इसका फैक्टर भी होगा। तो अगर x माइनस सिक्स इसका फैक्टर है तो जरा बताइए कि वैल्यू ऑफ k क्या हो? इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जहां अगर आप 6 रख दोगे तो पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल कर दो। तो x इक्वल टू यहाँ पे 6 रखोगे तो x स्क्वायर दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस x की जगह 6 रखिए, 6 इंटू k करेंगे 6k आ जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू जीरो करिए, 36 में से 6 निकालेंगे 30 आएगा, 6k को उधर ले जाएंगे 6k की वैल्यू 30 आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 5, क्या आ जाएगी 5, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 10 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है कि भाई कुछ लोग गए हैं रिलीजियस डे कहीं पे, वहां पे स्नान करने के लिए गए, तो 50% है, एक आदमी जब उसमें क्या करता है डुबकी लगाता है तो कहता है कि 4 m³ का वॉल्यूम जो है वॉटर जो है ऊपर आता है, उतना पानी जो है रेस करता है, इतना वॉल्यूम जो उतना वाटर का वॉल्यूम है उतना आप ऊपर आता है। तो आपसे पूछा अगर हमारे 50% एक साथ अगर आप एक साथ डूबे उसके अंदर तो कितना जो वाटर ऊपर की तरफ आएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। आप बताइए अगर 1% 4 m³ का वॉल्यूम वाटर का डूबने से नहीं होता है, अगर 50% उसमें लगाएगा तो कितना वॉल्यूम पानी वाटर जो है निकलेगा, आप बोलोगे सर 50 × 4, ये टोटल वॉल्यूम जो आपका वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा ये वॉल्यूम किससे इक्वल होगा, एल बी है, चूंकि आप क्यूबॉइड है वो, एल बी, एल का मतलब 40, बी का मतलब 20, तो 40 × 20 × हाइट इसी के इक्वल होगा। यहां से एच निकालना था तो 50 × 40 / 40 × 20 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे लगता है आप लोग कर ले जाएंगे, वो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा देख लीजिए इसको, 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4, तो सॉल्व कर लीजिएगा 1/4 आएगा, 1/4 m आएगा, जब सेंटीमीटर में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 cm आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान, ये मेंसुरेशन का बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी टाइम में देता रहता है, इसको भी आप 10 सेकंड के या 15 सेकंड के अंदर आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है एक लार्ज फील्ड है जिसका एरिया 700 हेक्टेयर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कह रहा है उनके जो एरिया का जो डिफरेंस है, कह रहा है कि उन दोनों के एवरेज का 1/5 है, तो जरा बताइए स्मॉलर पार्ट का एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा है। हम मान लेते हैं कि दो पार्ट में है, ए और बी में है, तो कह रहा है एरिया का जो डिफरेंस है वो कह रहा था आपसे कि दोनों उनके एवरेज का 1/5 है। एवरेज का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, दो लोगों का एवरेज कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बाई टू, इसका 1/5 ये निकालना है, ये दे रखा है, तो जरा सॉल्व कर लीजिए क्या आ रहा है। देखिए तो देखिए डिनोमीटर में 5 × 10 आ जाएगा, 10 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 का ए में करेंगे तो 10 ए आएगा, ये -10 b हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा इधर आपका ए प्लस बी, ए को इधर लाएंगे तो 9 ए हो जाएगा, उधर जाएगा 11 b, इसका मतलब यह है कि ए और बी में जो रेशियो निकल रहा है वो 11:9 का है, और आपसे एरिया का रेशियो निकल आया, ये एरिया है ए और बी, तो जो स्मॉलर एरिया यानी 9 का मल्टीपल, देखिए आप देखिए कितना चीजें, आप 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये मेरा आंसर हो गया, बस 10 सेकंड के अंदर मेरा आंसर हो जाता है 9 का मल्टीपल। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, टोटल एरिया कितना है 700, यहाँ से टोटल कितना है 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू 700, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से आ जाएगा 315, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत से क्लास में कराए हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की साइड दे रखी है, पहले की ये है, दूसरे की है, तीसरे के ई है, ये दे रखा है, आपसे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात यह है कि उनकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि 2a - b इक्वल होगा
ए प्लस थ्री बी की, और ये इक्वल होगा 2a - 2b+1। तो पहले और लास्ट को इक्वल कर लो, अगर इक्वल करोगे देखिए क्या आता है, 2a - b = 2a - 2b+1। यहां से देखिए 2a और 2a कैंसिल होगा, तो अगर मैं b को इधर लाता हूँ माइनस बी के पास, तो ये हो जाएगा -b+2b, यानी b हो जाएगा। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 1। b की वैल्यू 1 आ गई, तो जरा बताइए अगर मैं फर्स्ट सेकेंड को इक्वल करता हूँ तो क्या आता, जरा बताइए। फर्स्ट सेकेंड इक्वल करोगे तो आपके क्या आएगा, 2a - b = a+3b। यहाँ से या ए इधर आएगा, a = आ जाएगा 4b, -b 3b के उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 4b, और b की वैल्यू 1 यानी a की वैल्यू 4, a की 4 b की 1, तो साइड कितनी हो जाएगी, देखिए a की 4 b की 1 रख दीजिए, चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए चाहे रखिए, आपकी आ जाएगी साइड आ जाएगी 4 2 8 - 1 यानी 7 सेंटीमीटर। तो साइड सभी 7 7 होगी, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 7 × 3 यानी 21 सेंटीमीटर आपका अंतर आ जाएगा। इसको भी आप 15 से 20 सेकंड के अंदर अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो 15 से 20 सेकंड के अंदर इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन 13 देखिएगा। 13 क्वेश्चन देखिए पार्टनरशिप का आ गया है, किसका आया है, पार्टनरशिप का है। देखिए इस क्वेश्चन में मैं अक्सर बताता हूँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हो या प्रॉफिट प्रॉफिट का रेशियो निकालते हो, तो अगर सब में जीरो सेम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए 4 0 यहाँ पे भी है, 4 0 यहाँ पे भी है, 4 देखिए यहाँ पे है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। कह रहा है बिजनेस स्टार्ट करता है इतने रुपए लेकर 2 मंथ के लिए, है ना, नहीं 12 मंथ के लिए करेगा ये पहला। तो आप जानते हो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता है, आप देख लीजिए, तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए। इन्वेस्टमेंट का जब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट का रेशियो निकालूं तो आप देख रहे हैं कि 40,000 लेके चला था ना, तो 4 4 ले ले रहा हूँ मैं, 0 कैंसिल पहले ही कर दिया हूँ, 4 × 12 मंथ के लिए, ये ए का हो गया। अगर मैं बी की बात करूंगा, और सी 3 लोग हैं, बी जो है 2 महीने बाद ज्वाइन करता है और कितने पैसे के साथ, 6, तो 6 × 60,000 का मैंने 0 कैंसिल कर दिया, 2 महीने बाद ज्वाइन करेगा कितने टाइम के लिए कर रहा है, 10 मंथ के लिए। इस तरीके सी की अगर बात की जाएगी तो सी कह रहा है कि हमें टाइम नहीं पता लेकिन जो पैसे लेके गया था 12 12 × t। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ सबको टी से, अगर मैं 12, यहाँ पे 12 है यहाँ पे 12 है, 60 में 12 पाया जाता है, 12 से अगर कैंसिल किया जाए तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और टी आ जाएगा। देखिए इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, और कह रहा है कि ए का जो शेयर है, ए का जो शेयर है वो कितना है, कितना है ए का शेयर, कह रहा है कि 1,50,000 है, और जो टोटल प्रॉफिट है वो 3,75,000 है। तो अगर रेशियो दे रखा है टोटल प्रॉफिट का, रेशियो प्रॉफिट का दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, ए का शेयर दे रखा है, कैसे अगर रेशियो आप पढ़े हैं तो कैसे किसी की चीज का शेयर कैसे निकालते हो। इसे मान लिया हमको निकालना है शेयर, निकालना है सी का शेयर निकालना, तो सी की यूनिट क्या, रेशियो में क्या है, ठीक। तो टोटल आपका देखिए 3,75,000, तो 3.75 इसका देखेंगे टी अपॉन टोटल, देखिए टोटल रेशियो सम ऑफ रेशियो होता है ना, सम ऑफ ऐड करो रेशियो को, 5 + 4 9, 9 + t ये इक्वल हो जाएगा, ये अब कितना, ये देखिए ये निकल गया ए सी का शेयर, और सी का शेयर है कितना, 1. देखिए 1,50,000 मतलब 1.5 लाख, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी को सॉल्व करना, टी यहां से निकालिए, कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो 150 करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ टी अपॉन 9 + t, देखिए कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, 150 अपॉन 375, 25 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 6 आएगा, यहाँ आ जाएगा कितना जाएगा, अगर मैं 3 से करूंगा 3 2 3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 5t इक्वल्स टू आ जाएगा 18 + 2t। तो यहां से टी की वैल्यू निकालेंगे, 3 3t 8, टी की वैल्यू 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6। टी की वैल्यू 6 का क्या मतलब हुआ कि 6 महीने तक वो जो है बैंक में पैसा अपना रखा। तो कह रहा है बी के कितने महीने बाद, बी 2 महीने बाद ज्वाइन किया था, अगर वो सी ने 6 महीने के लिए रखा है तो बी के कितने महीने बाद सी ज्वाइन किया, 4 मंथ्स बाद, कितने मंथ बाद, 4 मंथ। तो आपका ऑप्शन, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, इसमें 30 से 40 55 या 1 मिनट तक आपका लग सकता था, है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अगला क्वेश्चन 14 देखिएगा।
ये देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अक्सर पूछता है एमयू में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, कह रहा है कि एक बुक को उसमें जो पढ़ता है 6/13 तो बुक पढ़ता है फर्स्ट वीक में, उसका जो बचता है वो 5/9 पढ़ता है, 5/9 पार्ट उसका रिमेनिंग बुक का सेकंड वीक पढ़ता है। कह रहा है टोटल पेजेस कितने हैं, कितने रह गए थे पढ़ने के बाद, तो कह रहा है कि टोटल पेज कितने। देखिए जिसमें जिस तरह देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 39 के मल्टीपल में कोई भी आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस मान लीजिए, तो 39 और 9 का अगर मैं अगर रेशियो लेता हूँ तो 117, हम मान लेते हैं कि 117 टोटल पेज हैं। अगर उसमें से 6/13 पढ़ लेगा तो जरा बताइए फर्स्ट वीक में तो कितने टोटल पेजेस उसने रीड कर लिए। आप बोलेंगे 39 का 54 पेजेस उसने जो है फर्स्ट वीक में रीड कर लिए। अब जरा बताइए 117 में से अगर 54 इन्होंने रीड किया कितना बचा आपका, 63 जो बचा उसमें कह रहा कि सेकेंड वीक में जो इसने रीड किया है 5/9, 5/9 का मतलब 35 रीड कर लिया सेकेंड वीक में तो टोटल कितना रीड किया उसने, 54 39 अगर रीड कर लिया है तो जरा बताइए कितना बच गया, 117 में से 89 रीड कर लिया, 28 बच गया। और 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, 28 की वैल्यू देखिए 100, आपसे निकालनी है कितना टोटल नंबर ऑफ पेज, यानी 117 की निकालनी है, निकाल लीजिए इसको, जब आप सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए कैलकुलेशन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, इसको अगर आप लास्ट में करेंगे तो बेहतर है, इसको आप सॉल्व करेंगे जब 417 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, 85 के करीब में आएगा सॉल्व करने, यानी 418 पेजेस आ रहे हैं, इसको मैंने देखा था तो 418 पेजेस आए। तो देखिए तरीके आप समझ गए, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए है ना क्लास में, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन आता थोड़ा सा टाइम लेकिन लेता क्योंकि बहुत वैल्यू करीब करीब दे रखे, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दे रखे, ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए सबसे पहले बात, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, और चूंकि और साथ ही साथ आप देख रहे हैं बड़ी करीब वैल्यू तो इसमें थोड़े गलत होने के चांसेस हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट में करा करिए। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो 5 उस एक्सिट में और इस तरह से पूछा था, कह रहा है यहाँ पे क्या देखिए, तो ओरल वाला क्वेश्चन है, 162 का मतलब होता है 9√2, क्या होता है 9 9 81, 9√2 होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैं सब क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए, इसका मतलब देखिए 1 8 28, आप जानते हैं कि 4 के 2 के मल्टीपल में है ये, 8√ क्या है, 8√2 है क्या, 8√2। अब बताइए दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 और √2 √2 144 आएगा, 144 यहाँ पे मान लेता हूँ, अगर एक्स है यहाँ भी एक्स है तो क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144, एक्स की वैल्यू 12, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं, ये पेन फ्री क्वेश्चन है, ये सब क्या है पेन फ्री क्वेश्चन है, ये लोग ये 5 सेकेंड बस, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया है जाके देख लीजिएगा शीट में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जरा बताइए इसमें से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या है, अगर आप परसेंटेज की मेरी क्लास की है तो 1 से 10 से 5 सेकंड में बता देंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। देखिए 5/6 का मतलब होता है 83%, 4/5 80%, 3/4 यानी 75%, 2/3 जो होता है 66%, तो सबसे बड़ा नंबर आपका ये, सबसे छोटा ये, डिफरेंस निकालना है 5/6 - 2/3, 3 5 15, 6 2 12, 15 और 12 का डिफरेंस 3 और 6 3 18, कितना आ जाएगा 1/6, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये 5 सेकेंड से 10 सेकेंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अगर आपने मेरी क्लास की अलजेब्रा की, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखा है, मैंने बताया है आपको कि देखिए a+b² - a - b² क्या होता, मैंने डायरेक्ट दिखाया कि 4ab लिखा है, देख लीजिएगा यहाँ पे नेगेटिव पहले दे रखा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मान लिया मैं ऐसे इसने उल्टा कर दिया a - b² पहले लिख दिया और फिर लिख दिया a+b² तो -4ab आएगा और क्या, डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे, ए देखिए ए है ये बी है तो क्या आंसर आ जाएगा -4 KL/4K = a/b। देखिए 4k तो कैंसिल हो गया है ना, 4k क्या हो गया कैंसिल, तो आपका बचा a = आ जाएगा b - l -bl, क्या आएगा -bl, क्या पूछा है आपसे, अगर मैं बी एल की वैल्यू निकालू तो इधर आ सकता है, तो बी एल क्या लिख सकता हूँ मैं -a, बात एक ही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 5 से 10 सेकंड बस।
18 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कह रहा है कि 7, देखिए इतना प्रॉफिट लॉस मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था जो आया था। कह रहा है कि ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, ये भी मैंने क्लास में स्ट्राइक के क्वेश्चन कराए, 17 बॉल्स अगर उसने कह रहा है सेल कर रहा है 720 रुपीज में, तो कह रहा है कि 1 बॉल का लॉस हो जाता है। और नहीं, कह रहा है कि लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, यानी 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर का लॉस होता है। हम अगर इमेज्यूम कर लें कि एक बॉल का जो कॉस्ट है, 1 बॉल का जो कॉस्ट है, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सीपी जो है 1 यूनिट है, 1 यूनिट मान लूं, तो अगर आपके पास 17 बॉल है तो 17 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, 17 यूनिट। ठीक है, 17 बॉल का कॉस्ट 17 यूनिट होगा। कह रहा है जो लॉस हुआ है वो 5 बॉल के कॉस्ट के बराबर हुआ है। अगर एक बॉल का कॉस्ट 1 यूनिट है तो जो लॉस हुआ है कितने यूनिट का हुआ है, 5 बॉल के कॉस्ट के बराबर, और एक बॉल का कॉस्ट 1 यूनिट है तो 5 का 5 यूनिट हो जाएगा। ये लॉस हुआ है 5 यूनिट का, 17 यूनिट आपका कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस कर दीजिए कितना, सेवन आप देख लीजिए कितने का लॉस हो रहा है, आप निकाल लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस 17 यूनिट है और लॉस आपका 5 यूनिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 17 माइनस 5 कर दीजिए 12 यूनिट। 12 यूनिट का आपको क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस, और दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी, 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 60 और 1 यूनिट है क्या, सीपी एक बॉल का कॉस्ट पूछा था, आंसर हो गया। फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, एक बॉल का कॉस्ट 1 रुपीज है, 1 यूनिट है, तो 17 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 17 रुपीज। ठीक है, एक बॉल का कह रहा 5 बॉल के कॉस्ट के बराबर लॉस हो रहा है, यानी 5 यूनिट का लॉस हो गया 17। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है बताइए, आप क्या करिए, कॉस्ट में से लॉस माइनस कर दीजिए, जितना आपका कॉस्ट है जितने आप लॉस में हो उसको माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका एसपी निकल जाएगा। तो 17 में से जब आप 5 यूनिट निकालेंगे तो 12 यूनिट जो आएगा वो आपका लॉस, वो आपका एसपी आएगा। तो 12 यूनिट की वैल्यू 720, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60, और 1 यूनिट है क्या, 1 बॉल का कॉस्ट, आपका आंसर हो जाएगा 18 का 60। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि फ्रेश फ्रूट में, देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्लास में परसेंटेज में करवाए हैं, परसेंटेज क्लास में आप जाइएगा तो मैंने इस क्वेश्चन को इसी टाइप के क्वेश्चन को कराया है एकदम एग्जैक्ट, देखिए अभी एग्जाम में देखने को मिल गया आपको। कह रहा फ्रेश फ्रूट में जो है फ्रूट है आपका उसमें 68% वाटर है, अगर फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है तो आप बताइए पल्प कितना उसमें होगा, आप जानते हैं पल्प कितना होगा, 32% होगा। अगर मैं पल्प की बात करूं कितना होगा, 32% होगा। ठीक है, आपसे कह रहा था कि ड्राई फ्रूट के अंदर जो है 20, ये तो फ्रेश फ्रूट हो गया, ये फ्रेश फ्रूट है आपका। ड्राई फ्रूट की अगर बात की जाए उसमें कह रहा है कि वाटर आपका जो है 20% है, तो जाहिर सी बात उसमें पल्प कितना होगा, आप जान रहे हैं कि 80% होगा। आप बताइए, देखिए फ्रेश फ्रूट मान ले था आपका, ड्राई होने के बाद क्या उसमें पल्प की क्वांटिटी चेंज होगी, पल्प की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, जितना पहले थी बाद में भी उतनी रहेगी। तो अगर कह रहा है 100 ग्राम किलोग्राम अगर फ्रेश फ्रूट ले रहे हैं, फ्रेश फ्रूट अभी आपके पास है उसमें 32 है, तो लास्ट में अगर ड्राई होने के बाद भी उतना ही रहेगा, यानी 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, ये 32 दे रखी है। तो अगर 100% के लिए अगर आपको निकालना है कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, 32/80 × 100 किया जाएगा 40 kg, कितना आ जाएगा 40 kg आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डिटेल में समझाया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेपर को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं थोड़ा से तेजी से चल रहा हूँ। अगर आप जो लोगों ने क्लास नहीं की तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन आप जानिए मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत ही स्लो रहता है, आराम से बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाया जाता है। प्रैक्टिस थोड़ी सी फास्ट इसलिए कराई जाती है क्योंकि आपको परफॉर्म करना होता है एग्जाम में, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे व्हाट टाइम वुड बी सी, देखिए कह रहा है कि पिस्टन फिल्ड बाय थ्री पाइप्स, कह रहा है थ्री पाइप जिनके डायमीटर दे रखा है 2, 3 और 4 सेंटीमीटर रनिंग टुगेदर, व्हेन द लार्जेस्ट अलोन कैन फिल 58 मिनट, जो लार्जेस्ट पाइप है वो 58 मिनट में पूरे टाइम को फिल कर देता है। कह रहा है अगर तीनों एक साथ खोल ओपन कर दिए जाएं तो कितने में अगर आपका टैंक फिल होगा, और कह रहा है कि जो फ्लोइंग जो वाटर ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर है, कह रहा है कि वो ईच पाइप जो है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर के। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला अभी का डायमीटर मान ले पहले का कितना 2, इससे जो वाटर निकल रहा है वो इसके स्क्वायर के यूनिट में निकल रहा है। इसका मतलब ये अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ
कि पर मिनट जो है पहले वाले पाइप से 4 यूनिट जो है वाटर आपका निकल रहा है, कितना इसका स्क्वायर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो फ्लोइंग वाटर जो है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि पहले अगर मैं कह सकता हूँ कि 4 यूनिट पर मिनट जो है पहले वाले से पानी निकल रहा है, सेकंड वाले से कितना निकल रहा है 9 यूनिट पर मिनट, और मैं थर्ड वाले कह सकता हूँ कि 16 यूनिट पर मिनट जो है इससे वाटर निकल रहा है। अगर सबसे ज्यादा पानी वाटर किसे निकल रहा है, इससे सबसे बड़ा पाइप यही कह रहा है कि इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, तो जो लार्जेस्ट पाइप जो जो आपका है तो कह रहा है कि जो लार्जेस्ट है वो 58 मिनट में फिल करता है। अगर 1 मिनट में इतना यूनिट निकालता है तो 58 मिनट अगर फिल करता है तो टोटल टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, आप जानते हैं कि 58 क्या करेंगे, आपको पता है ना 58 × 1 मिनट में जितना वाटर निकल रहा है 60, ये टोटल आपका टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर तीनों एक साथ खोल दिया तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, और इसे ऐड कर लीजिए 29, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 32 मिनट्स में उसको जो है वो फिल कर देंगे। ठीक है, आसान था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए मिक्सर एलिगेशन का फिर क्वेश्चन शायद आ गया, हाँ फिर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में दिया, पूरे बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन है ये, आप जाइएगा उसमें, बस थोड़ा सा मैंने वाइन और वाटर का था, यहाँ पे मिल्क और वाटर है, वहां पे वाइन और वाटर था, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे आपको नहीं बता सकता मैं कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत डिटेल्स में क्लास में कराए हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लगाऊंगा, और ये क्वेश्चन 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर लग गया था, 5 सेकंड का भी नहीं था। क्या कह रहा है कि वो एक वेसल कह रहा है कि एक वेसल में कह रहा है कि लिक्विड है, 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 5 सीरप, मैं कि वाटर 3 यूनिट है, 3 पार्ट है, और सीरप का जो है 5 है, यानी वाटर और सीरप का अगर रेशियो देखा जाए तो कह रहा है कि 3:5 का है। अब इसमें से कह रहा है कि हमने कुछ मिक्सचर इसमें से निकाला और उतना ही इसके अंदर क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उतना ही डाल दिया इसके अंदर, तो कह रहा है कि ऐसा करने से क्या हुआ कि जो जो रेशियो था वाटर और उसका सीरप का हाफ हाफ हो गया। हाफ हाफ का मतलब क्या आ गया, सेम रेशियो में हो गए, क्या हो गया, हाफ हाफ का मतलब सेम रेशियो में हो गए, यानी वाटर और सीरप का अब जो रेशियो हो गया वो 1:1 का हो गया। अगर आप मुझसे क्लास किए हैं तो मैंने आपको बताया है कि जब कोई चीज मिक्सी मिक्सचर के अंदर डालो, मतलब पोर की जाती है, जो चीज आप डालते हो, तो उसकी क्वांटिटी उसका रेशियो चेंज हो जाता है, लेकिन जो जिसके अंदर आप जिसको नहीं डालते, लेकिन सेकंड वाले का क्या होता है कि उसका जो है चेंज नहीं होता। तो इसके अंदर आपने क्या किया, क्या ऐड किया है, आपने किया है क्या ऐड किया, देख लीजिए वाटर ऐड किया है, अगर वाटर ऐड किया तो वाटर पहली बात चेंज होगा, जाहिर सी बात है, क्या ऐड किया आपने, वाटर ऐड, और बट लेकिन एक बात यह कि सीरप आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप ये बताइए कि सीरप जो था, जो ये आपका यहाँ पे था, वो कितना था, वो आपका 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट यहाँ भी रहना चाहिए, तो 5 यूनिट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो क्लास कर रहे हो कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, 5 × 5 रेशियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपका जो है सिरप यहाँ भी 5 यूनिट हो गया, यहाँ पे 5 यूनिट है, इक्वल हो गया। आप बताइए, अच्छा ये बताइए, जितना आपने वाटर निकाला था उतना वाटर, जितना आपने मिक्सचर निकाला था उतना वाटर ऐड किया, तो टोटल क्वांटिटी तो नहीं बदल रही है, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी बन रही है, 10 यूनिट। आप हमको बताइए पहले वाटर 3 यूनिट था, बाद में 5 यूनिट है, कितना वाटर कितना ऐड कर दिए हैं आप, यूनिट में बताइए, 2 यूनिट आपने ऐड किया, वाटर कितना ऐड किया आपने, 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट आपने वाटर ऐड किया इसका मतलब कह रहा यानी कि मिक्सचर भी कितना निकाला होगा आपने, 2 यूनिट निकाला होगा, जाहिर सी बात जितना मिक्सचर निकाले उतना वाटर ऐड किया, टोटल मिक्सचर 10 है, उसमें से अगर आपने 2 यूनिट अगर आपने निकाल लिया तो कितना रेशियो हो गया, 2/10 यानी 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाने की भी कोशिश की है कि कैसे होता, पहले रेशियो 3:5 था, बाद में 1:1 हो गया, मैंने कहा कि जो चीज इसमें से ऐड की जाती है वो तो है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बदल जाती है, लेकिन जो चीज ऐड नहीं की जाती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, यहाँ पे सीरप की जो है रेशियो आपका सेम रहेगा। तो अगर सीरप का रेशियो क्वांटिटी सेम रहेगी तो इसका पहले सीरप के रेशियो का क्वांटिटी सेम रहेगी तो इसका पहले इक्वल करिए, तो सीरप यहाँ पे 5 यूनिट था तो यहाँ भी 5 बनाना पड़ेगा, 5 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5, मैंने कहा टोटल मिक्सचर कितना है 5 × 5 = 10, 10 में से बताइए वाटर कितना यूनिट ऐड कर रहे हैं, 3 से 5 यानी 2 यूनिट, यानी मिक्सचर भी कितना निकाले होंगे, 2 यूनिट, तो 2/10 यानी 1/5। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास में समझाया भी बहुत डिटेल में, और ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 10 सेकंड से 15 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 किलोग्राम मेटल है जिसमें 1/5 कॉपर है। देखिए बहुत ही आसान है, अगर 4 kg मेटल में 1/5 कॉपर है, अगर देखिए कॉपर है जिंक है, तो अगर 4 kg का 1/5 करेंगे तो कॉपर कितना, 4/5 हो गया। 1/5 अगर कॉपर है यानी 20%, 80% क्या होगा, जिंक होगा। 80% का मतलब कि 4/5 जिंक होगा, और किसका 4/5, टोटल का, तो 4 का 4/5 करेंगे तो 4 × 4/5 करेंगे 16/5 आपका जिंक आ जाएगा। इसी तरीके सेकंड वाले की अगर बात की जाए, वहां पे कॉपर जिंक देख लीजिए क्या हो रहा है, 5 kg टोटल था उसमें 1/6 कॉपर था, तो 5 का 1/6 करेंगे तो 5/6 कॉपर होगा। 1/6 अगर कॉपर है तो कितना जिंक है, 1 − 1/6, 5/6 जिंक होगा, किसका, 5 का, तो 5 का 5/6 निकालेंगे कितना आएगा, 25/6। खत्म हो गया क्वेश्चन, कॉपर ऐड करिए यहाँ पे 4/5, 5/6 ऐड करिए, ऐड करिए देखिए दोनों को, 6 4 = 24, 5 5 = 25, 6 4 = 24, 5 5 = 25, दोनों ऐड करिए, 49/5 = 30, 4/5, 5/6 को ऐड कर लीजिएगा, 49/30 आएगा। रेशियो देखिए, इन दोनों को ऐड करिए जिंक को, 16 6 = 96 और 25 = 125, तो 96 125 ऐड करिए और नीचे आ रहा 30, 30 30 कैंसिल होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 49, रेशियो कितना हो जा रहा है, 100, और कितना आ रहा है, 221, कितना आ रहा है, 221, देख लीजिए कितना आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, कितना, 6 5 11 और 221, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है द मीन ऑफ 50, देखिए 50 ऑब्जर्वेशन का मीन इतना है, कह रहा है कि हम 48 को, उसने गलत, अगर 48 पढ़ना चाहिए था, उन्होंने ले लिया क्या 23, देखिए 48 लिखना था ऑब्जर्वेशन में, 23 ले लिया, इसका मतलब यह कि जो एवरेज होगा वो थोड़ा से बढ़ेगा, क्योंकि 48 लिखने के बजाय उन्होंने 23 लिखा, कम लिखा है तो एवरेज करना बढ़ेगा, तो 36 से कितना इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा, तो पहले बार आप ये देखिए कितना उन्होंने कम ऑब्जर्वेशन लिखा था, ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन लिया था कितना कम लिया था, 23 का मतलब है 48 के बजाय 23 का मतलब 25 उन्होंने कम काउंट किया, एवरेज में कितना कम होगा, 25/50, इतना तो आपका जो है एवरेज में कम हुआ होगा, उसी को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 + ये हो जाएगा 1/2, 25/50, 1/2 यानी 0.5, तो 36.5 एवरेज अगर आप हमसे पढ़े हैं, इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, आप जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से कराया है, तो 36.5 आपका आंसर, ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉगरिदम में कह रहा है कि ये वर्ड, एक वर्ड है, इससे आपको 3 लेटर का आप बनाने हैं, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, विदाउट मीनिंग, विदाउट मीनिंग बनाना है आपको, तो कितने रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितना नंबर ऑफ फेज होगा, है ना, कितने नंबर ऑफ लेटर बनेंगे, बहुत ही आसान है, देखिए आप जानते हैं 3 लेटर लेना, 1 2 3, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है, तो पहले वाले को जरा बताइए रिपीटेशन अलाउड क्या है, नहीं है, तो पहले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 10, दूसरे को 9, तीसरे को 8, मल्टीप्लाई करेंगे 720, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन 5 सेकेंड, बहुत ही आसान है। 25 देखिए कह रहा है कि अब इन किसी ग्रुप में 6 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, कह रहे 4 चिल्ड्रन को उसमें से सेलेक्ट करना है, कह रहा है कि कितने डिफरेंट तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर, देखिए ये एक बॉय तो होना ही होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब है कि एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी मैंने क्लास में कराया था, और इससे टफ करा था, बड़ा क्वेश्चन था, इसमें तो बहुत छोटी वैल्यू दे रखी है, जिन्होंने मैं क्लास में रखी वो तो जानते होंगे, तो मैंने कहा था 6 बॉय में, अब एक बॉय तो आपको लेना ही लेना है, यही कहा है ना कि एक बॉय जो उसमें जो है होनी होने होने ही चाहिए, तो जरा बताइए कि मैं मान लेता हूँ 6 बॉयज मेरे सामने हमारे पास हैं, तो 6 में से 1 बॉयज अगर ले लेता हूँ तो 4 गर्ल्स में से मैं 3 गर्ल्स ले लूँ, क्योंकि 4 लोगों को लेना है, एक तरीका तो मेरा ये हो गया। सेकंड क्या हो सकता है, 6 में से मैं 2 बॉयज ले लूँ और फिर 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स ले लूँ। तीसरा क्या हो सकता है कि 6 में से मैं 3 बॉयज ले लूँ
और फोर गर्ल्स में से एक गर्ल्स ले लूं, एक तरीका मैं कोई गर्ल्स ना लूं, चारों को चार जम क्या हो जाए बॉयज हूं, तो 6 4, तो आपके सामने इतनी कंडीशन आ गई, इतनी कंडीशन। अब देखा, देखो जिसको एनसीआर निकालना है आता है, वो इसको बहुत ज्यादा 1 मिनट लेगा, उस ऊपर नहीं लेगा। 6 7 की वैल्यू क्या होती है, 6। 4 3 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, अगर आप पढ़े हैं तो आप फैक्टोरियल 4 होता है, आप देखिए 1 माइनस का 4 7 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 1 4 आएगी। अब ये कैसे आती है, जो परमोटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझाया जाएगा। 6 C2 की वैल्यू कितनी आएगी ये बताएगा, देखिए 4 से आपका जाएगा 15 आ जाएगी। अब ये मैं 6 C2 निकालता हूँ ना, तो ऐसे आते 6 × 5, 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3। जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में आपको बताया जाएगा कैसे 6 C2 की वैल्यू 15 आती है, सब सिखाया जाएगा। इसी तरीके से 4 C2 को निकालेंगे कितनी आ जाएगी, आप देख रहे हैं 4 3 12, 2 से 2 कैंसिल, यानी 6 आ जाएगी, 90। आप भी ऐसे ही करने से मैं कर रहा हूँ, जब आप पढ़ लेंगे 4 C1 की वैल्यू 4 होती है, 6 C3 को निकालेंगे, 6 5 4 3 कैंसिल, 6 डिवाइड 20 आएगी, 20 × 4 80 आ जाएगी। और 6 C4 का निकालेंगे तो 6 5 4 से कैंसिल, 2 15 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15। सबको अगर आप ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 9 लास्ट में आएगा, मुझे लगता है 209 आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट लग जाता क्योंकि 4 कंडीशन बन रही थी, और इसमें आपकी कैलकुलेशन मायने रखती है कि आप कितनी तेजी से कर रहे हैं। और इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कराया, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मैंने जो है क्लास में कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि एक बॉक्स के अंदर कह रहा है 10 एप्पल्स हैं, 2/5 जो है उसमें रोटेन है यानी खराब है, तो अगर 10 है 2/5 उसमें से अगर खराब होगा तो कितने कितने आपके एप्पल जो है खराब निकल के जरा बताइए, सड़े हुए एप्पल्स हैं तो 4 आपके उसमें क्या हो गए, वो सड़े हुए हैं खराब हैं, तो 10 में से 4 तो खराब निकल गए। कह रहा है कि इफ 3 आगा, कह रहा है इफ 3 एप्पल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट वन लीस्ट वन एप्पल इज रोटेन, कम से कम उसमें कम से कम एक जो एप्पल जो आपका है उसमें से खराब हो, अगर उसमें से हम 3 एप्पल को सेलेक्ट करते हैं तो उससे प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी। हम देखिए इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, मैंने क्या बताया है, एट लीस्ट वन की जब बात कर रहे हैं तो आप ये निकालिए कि कोई भी एप्पल खराब ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए कि एक भी एप्पल खराब नहीं है, तो कैसे निकलेगी, आप जो 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 रॉटन वाला एप्पल था उसको आप कैंसिल कर लीजिए, छोड़ दीजिए, उसको लेना ही नहीं है। तो 10 में से 4 हमने भला उसको अलग किया, तो मेरे पास 6 एप्पल ऐसे थे जो उसकी फ्रेश थे, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था। तो 6 में से अगर मैं 3 एप्पल को सेलेक्ट करूँ, कितने तरीके सेलेक्ट कर सकता हूँ, 6 C3, और इधर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, 10 C3, 10 में से 3 ले सेलेक्ट करना है, यही मेरा देखिए किसी को सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। 6 C3 का मतलब अभी मैंने आपको बताया था 6 4 6 5 4, माने 20 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा देख लीजिए, 6 5 4 आ जाएगा, 5 2 3 4 3 से कैंसिल, 5 20 आ जाएगा। और 10 C3 निकालेंगे तो देखिए 10 9 क्या जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना देख लीजिए, 10 C3 का मतलब हो जाएगा 10 9 और 8 आ जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिए, देखिए कितना आ रहा है, हाँ तो कितना हो जाएगा ये देखिए, 6 C3 / 10 C3, तो 20 हो गया 6 C3, देखिए ये आ जाएगा 10 9 8 / देखिए आ जाएगा 6 6 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 6 ऊपर जाएगा तो 120 / हो जाएगा 90, और × 7 20 आएगा, ये कैंसिल होगा, 1/6 आ जाएगा, 1/6 जो है ये प्रोबेबिलिटी जो आई है उसमें से कोई भी एप्पल आपका जो रॉटन नहीं है, तो कम से कम एक एप्पल के रोस्टन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/6 कर दीजिएगा, मैंने सिखाया इस तरह क्वेश्चन, 5/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 क्या कह रहा है, कि देर आर 3 ग्रीन बॉल है, 4 ऑरेंज है, 5 व्हाइट कलर की है, आपसे कह रहा है, आपको कह रहा है कि एक बल्ब उसमें से पिक करना है, बल्ब है आपका, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इधर ग्रीन और विद व्हाइट बॉल, या तो एक उसमें देखिए एक आपको सेलेक्ट करना है ना, पिक करना है, उसमें से कह रहा है या तो एक जो है आपकी ग्रीन हो या तो व्हाइट हो, तो ऑरेंज को कैंसिल ही कर दीजिए, और लगाया मतलब प्लस, तो जरा बताइए, तो क्वेश्चन मुझे लगता है आसान हो गया, 3 ग्रीन में से अगर एक सेलेक्ट करना है तो 3 C1 प्लस, और मतलब प्लस एक बॉल लेना है, हमारे पास कितनी व्हाइट है, 5, तो 5 C1,
अपॉन टोटल बॉल कितनी है, 3 4 7 5 12 और 12 C1, यही है, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। देखो 3 C1 का मतलब 3, 5 C1 का मतलब 5, 3 + 5 8, 12, 12 C1 का मतलब 12, तो 4 2/3 कितना आ जाएगा, 2/3, यानी ये क्वेश्चन 5 सेकंड का था, आसानी से सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, द एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्न बाय इन्वेस्टमेंट इंक्रीज दैट 10% फ्रॉम लास्ट टू दिस ईयर, इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्न बाय द इन्वेस्टमेंट 11%, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट, ये बताइए। कुछ मान ले यहाँ लास्ट ईयर में था, इंटरेस्ट रेट हमें नहीं पता कितना था, कह रहा है जब इसमें इसका जब मैं 10% ऐड करता हूँ तो 11% आता है, जब मैं 10% निकालता हूँ तो 11% आता है, यही क्वेश्चन आपका था। तो जाहिर सी बात है रेट कितना रहा होगा, 10%, 10% में जब 10% का 10% निकालेंगे तो 1% आएगा, तो 10 + 1 करेंगे तो आपका 11% आएगा, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ये क्वेश्चन 5 सेकेंड। अगला देखिएगा 29 क्या कह रहा है, देखिए पार्टनरशिप का है कि 3 पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इक्वल टू 6 टाइम ऑफ बी। 4 टाइम्स ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि 4 टाइम्स ऑफ ए जो है वो 6 टाइम्स ऑफ बी के इक्वल, यहाँ से अगर कैंसिल करता हूँ मैं तो 2A की वैल्यू कितनी आ रही है, 3B। सेकेंड अगर देखा जाए, कह रहा है कि जो B की कैपिटल है C की 8 टाइम, अगर यहाँ से AB का रेशियो निकाला जाए तो आप देख रहे हैं कि 3:2 आ रहा है। अगर सेकेंड की बात की जाए, सेकेंड में क्या कह रहा है कि B जो है कैपिटल है C की 8 टाइम्स है, यानी अगर B और C का रेशियो निकाला जाएगा तो आप देख रहे हैं 8:1 आ रहा है। तो चूंकि ये बी कॉमन है, बी यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे बी 1 यूनिट, पहले बी को इक्वल कर लीजिए, तो ए और बी अगर सी का रेशियो निकाला जाएगा, ए कितना है तो बी को इक्वल करिए, रेशियो में आप पढ़े ना, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए तो बीच वाले को इक्वल किया जाता है, अगर आप पढ़े होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 = 12 और ये 4 2 = 8 और सी आपका 1 है ही, और सी तो आपका 1 ही रहेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। आपसे कह रहा है कि सी का प्रॉफिट जो है, सी की जो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है, बी का जो प्रॉफिट है 6300 है, तो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी। आसान क्वेश्चन देखिए, बी का प्रॉफिट 6300, इसका मतलब ये हुआ बी का है कितना, 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू है आपकी 6300। आपसे ए और बी के एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6300/8, ये 1 मिनट निकल आया, कह रहा है कि ये 1 मिनट निकली है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अगर ए प्लस बी अगर बात की जाए और सी की बात की जाए कितना यूनिट बन रहा है जरा बताना, तो ए और सी का एवरेज प्रॉफिट कितना यूनिट बनना है, 12 + 1 13/2, एवरेज कितना निकाला, 2 का एवरेज निकालना, तो दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 13/2 यूनिट निकलना है उनका एवरेज प्रॉफिट। इसी को सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना, सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले देखिए कि अब इसी को सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है आपको, 6300/8 × 13/2 को सॉल्व करना है। सबसे पहली बार आंसर 9 का मल्टीपल होगा, ये गया 9 का मल्टीपल होगा, 7 7 7 का, 63 में 7 पाया था, 7 का मल्टीपल होगा, देखिए 9 का 15 15 22, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी है, तो 7 का देखिए 7 से क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए बिना सॉल्व किए आपको चेक करना, मैंने 9 का मल्टीपल कहा, 2 ऑप्शन गए, 7 का मल्टीपल ये चला गया, मेरा आंसर हो गया, मुझे सॉल्व ही नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ही आपका आएगा, तो यही आपका टाइम लग गया। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया था, अब इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको पता है कि अब मल्टीपल कौन से, गिवन कांस्टेंट अगर पता है कि कैसे आंसर फाइंड आउट किया जाता है, मैंने देख लिया कि 7 का 9 का मल्टीपल आएगा, 2 ऑप्शन चला गया, 7 का मल्टीपल से बी चला गया, आंसर हो गया, एक लाइन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 देखिएगा, कह रहा 53/500, देखिए 53/5000 है, इसको कर लेंगे डिवाइड कर लीजिए तो 10.3 आएगा, अगर मैं 53 को 5 से डिवाइड करूं तो 10.6 आएगा, ठीक है, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए फिर, तो कितना आ जाएगा, 0.0106, देखिए ये
थाउजेंड प्लेस पूछा ना, थाउजेंड प्लेस पूछा है। देखिए ये 10,000 प्लेस है, ये थाउजेंड प्लेस है ये आपका है, तो थाउजेंड प्लेस आपका कितना हो जाएगा, जीरो। तो डी ऑप्शन जाएगा 5 सेकेंड। बस अगला देखिएगा 31, 0.09 का स्क्वायर रूट निकालिए। 0.09 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो आप जानते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 9/100। 9/100 का मतलब 3/10, 3/10 का मतलब 0.3, यानी ए ऑप्शन ये 5 सेकेंड, या पेन फ्री कह सकते हैं इसको, पेन फ्री। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 5 कह रहा है कि इनसे जो है कितनी डिफरेंट डिजिट बनाई जा सकती हैं, कितनी, और कह रहा है कि पॉसिबल जो कि 3 से डिवाइड, देखिए 3 जो भी डिजिट बनेंगे 3 से डिवाइड ही होगी, क्योंकि सम कितना हो रहा है 0, 1, 5 का 6 ही आ रहा है। तो 3 डिजिट्स का नंबर आपको बनाना है। सबसे पहले भाई बताइए आप हमको, देखिए यहाँ पे 0 तो लिख नहीं सकता, 0 लिखूंगा तो 2 डिजिट्स का बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराया हूँ, 0 यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो इसको कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो, आप बोलोगे सर इसको हम 3 2 सिर्फ नंबर ऑफ वेज जो है फिल करने का, यहाँ पे नंबर का डिजिट्स का वो 2 वे है। यहाँ पे देखिए, अब एक तो हो गया आपका 2 नंबर बचे, इसको भी 2 तरीके से फिल कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ भी एक नंबर फिल कर दिया आपने, यहाँ भी कर दिया, आपका एक बचा है कि यहाँ पर रख दीजिए, 2 2 4 1 4, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5 सेकेंड, इससे ऊपर नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। रैशनल नंबर जो होता है सबसे पहली बात एडिशन रूल को फॉलो करता है और कम्यूटेटिव रूल को भी फॉलो करता है, बिल्कुल सही है। नहीं कम्यूटेटिव रूल फॉलो, लेकिन सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता, ये नहीं करता। डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर हमेशा रैशनल नंबर आएगा, बात सही है। रैशनल नंबर एसोसिएटिव को सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। अगर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की आपको पता है तो 1, 3 आपका राइट आंसर होगा, कहीं दे रखा है 1, और पहला आपका ऑप्शन सही है और आपका थर्ड सही है। क्या सही है, थर्ड, 1/3 का मतलब हो गया ए ऑप्शन, ये 5 सेकेंड अगर प्रॉपर्टी आपको पता है रेशनल नंबर की। 34 देखिएगा, एफिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये देखिए एक्स होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई होता है। तो कह रहा है किसमें किसमें, देखिए इसमें प्लस प्लस होता है, मैंने आपको बताया इसमें माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। तो पहला वाला आपका जो होता है एफिसा होता है, तो पहला वाला किसमें नेगेटिव है बताइए, नेगेटिव देखिए इसमें है, पहला वाला इसमें नेगेटिव, तो सेक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो 1 और 2 और 3 में जो है आपका क्या है, इसी क्वाड्रेंट में आपका जो है आपका एफिसा नेगेटिव है। अगला देखिएगा कह रहा है इस कौन सा रैशनल नंबर है जो कि रूट, ये तो दोनों ही रैशनल नंबर है, ये दोनों क्या है रैशनल, इरेशनल है, ये भी देखिए रैशनल है और इसका स्क्वायर रूट निकालना 12, ये भी रैशनल है। तो फर्स्ट सेकेंड, कहाँ फर्स्ट सेकेंड दे रखा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ये 5 सेकेंड, उससे ऊपर नहीं लगना चाहिए, प्रॉपर्टी में सब है। 36 में पूछा है कि व्हाट इज सम ऑफ क्यूब, देखिए क्यूब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के जो क्यूब होता है आपका, उसका सम जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो एन इंटू एन प्लस वन पूरे का स्क्वायर अपॉन क्या होता है 4, यही फॉर्मूला रख दीजिए आप, तो 12 × 2 हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे, है ना, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना। सबसे पहली बात ये होगा कि आंसर जो होगा 13 का मल्टीपल होगा, और पहली बात 0 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, 0 0 तब आता है जब 5 आता है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही मैं कैंसिल कर देता, 78 इतना छोटा ऑप्शन आ ही नहीं सकता, मेरा आंसर हो जाता। देखिए मैंने गेस से आंसर कर दिया, मैंने कहा कि 0 आया ही नहीं रहा, 5 तो आ ही नहीं रहा, 0 तो आएगा नहीं, ये चला गया, ये चला गया, 78 इतना छोटा तो होगा ही नहीं, देखने में लग रहा है मेरा आंसर हो गया। अब बैठ करके जब मल्टीप्लाई करके बनाओगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए एलसीएम एचसीएफ का है, देखने में बहुत बड़ा है, मैं बहुत पहले से इस क्वेश्चन को पढ़ाता चला आया हूँ, कुछ नहीं करना होता है इसको, क्या करना है इसका एलसीएम ले लीजिएगा तीनों का, तीनों का एलसीएम आ जाएगा अगर आपका 40 60 35 45 90 का आ जाए, 180 मिनट आएगा। 180 मिनट का मतलब होता है 3 आवर्स, 3 आवर्स का मतलब अगर आप 10 क्लॉक स्टार्ट किए हैं, कब मीटिंग चल रही थी, क्या दे रखा था, 10 AM पे ना स्टार्ट वर्किंग है, तो 10 + 3 करेंगे तो 1 PM आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये भी आपका 1 PM आ जाएगा। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस 5 सितंबर के शिफ्ट के जितने भी 37 से 30 क्वेश्चन आए थे, 37 आपने देखा कि कहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा थी कि नहीं थी,
क्या आपने इसका, क्या आपका सोल्यूशन इस तरह से था, और आपको अगर टाइम लगा क्यों लगा, आप क्या गलती कर रहे थे, कहाँ कहाँ आप बच सकते हैं, और क्या क्या चीज आपको सीख के जानी है। कितनी बार मैंने कहा कि मल्टी यूनिटरी मेथड पढ़ के जाइए, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट से डिविजिबिलिटी से आधे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, डीएस से खत्म हो जाएंगे बहुत सारी चीजें, है ना। आप देख रहे हैं कि जो आपकी 12 सितंबर की शिफ्ट थी उसमें डीएस कई जगह लगा, इसमें देख रहे हैं डिविजिबिलिटी कई जगह लग रही है, और प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, और क्या नाम है, और आपके म्यूचुअल एलिगेशन के जितने क्वेश्चंस हैं, और जितने आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे जितने क्लास में कराए गए हैं, अगर ये क्या 2 बार आप रिवाइज करके गए होते तो सारे के सारे क्वेश्चन आप क्लास क्या करते, आप करके आते, है ना। आप देखिए कितने का सोल्यूशन है, ये आधे घंटे का सोल्यूशन नहीं था, तो मैंने आपको समझा समझा करके आपको समझाया है कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो जो भी लोग 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है हमारी, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर किसी को क्वांट सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, 0 लेवल से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग जो है सिर्फ 2 महीने के अंदर आपको सब पढ़ा देते हैं, और जो भी स्टेट में क्वेश्चन दिया जाता है आप खुद देखिएगा कि उससे 80 से 90% क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा,